पंप ही टूट गया देखिए ये, मेरे हिसाब से तो बन गई है। सबसे छोटा लार्ज यहाँ पे आएगा। अच्छा, फिर आपका ये ऐसे साइज के अकॉर्डिंगली गिरेंगे मशीन में से। बोतियों का पानी आप घर भी ले जा सकते हैं, जहाँ भी आप होंगे। अच्छा, गोल्डन। अच्छा, किस रेट के मिलते हैं दिल्ली में? रिकॉन्ग भी रुकेंगे जहाँ तक होगा। तो ब्रेकफास्ट में हमें मिले हैं पराठे, दही और अचार। हम पहुँच चुके हैं नारकंडा, और ये नारकंडा का बाजार है जहाँ से नारकंडा देवी मंदिर के लिए जाया जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम अमित तोमर है, यू वॉचिंग 80 ब्लॉग्स। रात को ना लेट हो गए थे थोड़ा खाना वाना खाने में ना, तो अब उठे हैं सुबह ना, अभी सभी उठे हैं। क्या हाल है विक्की भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या समरी भाई? बढ़िया। रोहित भाई तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने आया था, तो बाहर देखिए नज़ारा कैसा हो रहा है। ये कैफे में आया था, बाहर देखिए कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फॉग हुई हुई है देखिए। ये ब्रेकफास्ट करने के लिए हमारा यहाँ कैलकटा से भी लोग आए हुए हैं, और शायद वो भी स्पीति सर्किट कर रहे हैं पूरा सारा ना, वो भी वहीं जा रहे हैं सारे। मेरी बात हुई थी इनसे, तो ये भी कॉफी रखना भी मिले हैं। तो ब्रेकफास्ट में हमें मिले हैं पराठे, दही और अचार, और वैसे ब्रेड टोस्ट भी है, कॉफी भी है, मगर हमने चाय प्रेफर की क्योंकि मौसम देखे कैसा हो रहा है, देखिए सब बादल ही बादल। रोहित भाई क्या हो गया, कैसे मुंह बना हुआ आपका? रात क्या हुआ? रात को तुमने सही किया इसके साथ में, अत्याचार कर दिया क्या? अच्छा, सही बात नहीं है, मतलब तुम अपनी स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हो। चाय भी आ गई, ये चाय है। तो अब हम निकल चुके हैं शिमला से स्पीति के लिए, सुबह के 9 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए, ये सब लेट उठे थे। ये हमारा होटल था, इसे होटल को बाय करते हैं अब, और चलते हैं यहाँ से रिकॉन्गपियू रुकेंगे जहाँ तक होगा। रिकॉन्गपियू 213 किलोमीटर है, कहा जाता है यहाँ से 413। चले मिलते हैं, रास्ते में दिखाते हैं आपको सारे वादियाँ कैसी कैसी। तो फाइनली नीचे तक आ गया हूँ, ये कार खड़ी थी हमारी यहाँ पे, हम निकालते हैं कार को, चलते हैं फिर आगे की तरफ। देखिए गाड़ी तो निकल गई है, मगर जाम देखे कितना है, ये सारा जाम हुआ हुआ है। अब बड़ी मुश्किल होगा यहाँ निकालने में, अब चलते हैं। कितनी खूबसूरती है, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कितनी खूबसूरती है। नीचे गांव, लैंडस्केप कितने अच्छे हैं। ये देखिए स्पेशली रुका हूँ आपको दिखाने के लिए ना, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए फाइनली रास्ते में जाते जाते ना एक जगह दिखाई दी, बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है। यहाँ से कम 20-30 गाँव, 40 गाँव दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहा है पूरा एरिया ना। ये देखिए दिखाता हूँ आपको, रास्ते में जाते जाते ना हमारे बर्तन पड़े हुए थे गंदे, तो हमने बर्तन धोने के लिए एक नेचुरल रिसोर्स मिला है कि पहाड़ों का ही ना, तो एक भैया मिले हैं यहाँ के लोकल हैं, बता रहे हैं आगे जाके क्या। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है जी, मैं यहीं से हूँ लोकल से। जी जी, तो जब भी आप यहाँ पे जाओगे तो देवभूमि है। हाँ जी, देवभूमि आपको नेचुरल रिसोर्सेज बहुत मिलेंगे। हाँ, नारकंडा से आगे जाके 6-7 किलोमीटर जगह पड़ती है। अच्छा अच्छा, राइट साइड में एक नेचुरल सोर्स वाटर रहेगा। अच्छा अच्छा, जड़ी बूटियों का पानी आप घर भी ले जा सकते हैं, जहाँ भी आप होंगे। अच्छा, वो खराब नहीं होता यानी बहुत बढ़िया पानी रहता है? अच्छा पानी है, मतलब बिल्कुल गंगा मैया की तरह है। वो रिकॉन्गपियू उसके रामपुर वाले रास्ते में मिलेगा। अभी आप नारकंडा जाओगे। हाँ जी, नारकंडा से 6-7 किलोमीटर डाउन स्टीप है। जी जी, राइट साइड में जो भी पहला नेचुरल वाटर सोर्स आएगा उसमें। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। हमारे विक्की भाई बर्तन धो रहे हैं, चलो फाइनली कुछ काम तो कर रहे हैं रोहित भाई और विक्की भाई, नहीं तो देखो कुछ नहीं कर रहे, कैमरा ले लेके बैठे हैं एक दूसरे की। ये देखिए शाबाश, ऐसे ही करो शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ये अभी रास्ते में जा रहे थे, चलते चलते ना अभी हमें वो दिखाई दिया सेब की खेती, तो अब दिखाते हैं यहाँ फॉग ज़्यादा ना पड़े उस पर, तो उसके लिए वो लगा के रखते हैं ऊपर से कि
पक्षी भी ना आए या खा सकें उसके बचा के, फॉग से बचाने के लिए। सेबों का बाग है, देखिए कैसे लगा हुआ रोड के किनारे। ये देखिए, ये देखिए कितने सेब लगे हुए, देखिए देखिए ये देखिए सारे बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। भाई ये आप कहाँ से ला रहे हो सेब, एक बार रुकोगे जरा? बाग से। तो ये काम है तोड़ने का? हाँ जी। तो ये कौन से सेब है, क्या कहलाते हैं भाई? ये रॉयल है। रॉयल मीठे मीठे होते हैं बहुत? हाँ, मीठे होते हैं। चेक कर सकते हैं एक? बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत मेहनत का काम है जी आपका। तो भाई साहब ये देखिए लगे हुए हैं सेब, यहाँ पे भी सारे लाल लाल सेब है भैया, बहुत बढ़िया सेब है। भैया क्या को बोला है मैंने तोड़ के लाओ, तो ये भैया के बाग है तोड़ के ला रहे हैं सेब। भैया थैंक यू। ये हरे वाले भी मीठे हैं भैया, ये पके हुए हैं हरे वाले भी, हरे कलर के जो आते हैं वो हैं, ये रेड कलर के हैं। भैया आपका है ये बाग? अच्छा, ये हरे वाला भी मीठा होता है? नहीं होता, खट्टा थोड़ा। ये कौन कौन सी वेराइटी है भाई? ये रॉयल, ये गोल्डन। गोल्डन, अच्छा। किस रेट के मिलते हैं दिल्ली में? चली जाती 250 वहाँ बिकते हैं, 4-5 किलो, 200-300 रुपए है ना? ठीक। ये देखिए कितने ज्यादा लगे हुए हैं, देखिए चारों तरफ यही लगे हुए हैं। ये देखिए दूर दूर तक जहाँ तक दिखेगा आपको यही लगे हुए हैं। देखिए कहाँ से हैं आप? यहाँ नेपाल से सर। नेपाल से हैं? तो यहाँ सिर्फ ये सेब तोड़ने के लिए काम के लिए आते हैं? 2005 से यहीं, यहीं रेगुलर रह रहे हैं। अच्छा, तो ये आपने क्या ठेके पे लिया हुआ है या आप काम करते हैं? मजदूरी देते हैं। अच्छा अच्छा। आज इनका अंबार बाग जिसको जरूरत है वो खुला बुलाने खुद आते। अच्छा, तो यहाँ तो बर्फ भी बहुत पड़ती होगी? पड़ता है सर। और ये बताइए पहले, ये कौन कौन सी वैरायटी लगी हुई है सेब की? इसमें रॉयल है, काला है, और अभी रेड। तो ये हरे वाला जो सेब है ये वाला गोल्डन है, तो ये सबसे बढ़िया होता है, बढ़िया खाने के लिए, स्टोर के लिए रहता है। अच्छा अच्छा, अभी तोड़े नहीं है। अच्छा अच्छा, स्वाद होगा, अभी नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद ये बहुत बेस्ट होगा। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी भाई साहब का? करण है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यहाँ से थोड़ा सा जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी है बाग के बराबर में गोदाम भी है, जहाँ स्टोर करते हैं सेब, पैकिंग होके ना यहाँ आते हैं सेब। देखिए ये यहाँ पैक हो रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे भैया पैक होके? ये यही लोकल मंडी में जाएगा। लोकल मंडी में? ये कौन सा सेब है? ये रॉयल। रॉयल, अच्छा अच्छा अच्छा। और ग्रीन वाला भी होता है एक? गोल्डन है। गोल्डन है। अच्छा अच्छा, अलग अलग वैरायटी है। ये सारा यहाँ स्टोर करके रखते हो आप? टूट के आ रहे हैं या पैक हो रहा है किलो होके? ये देखिए ये जो गैप मेंटेन किया हुआ है इसका, उसके अकॉर्डिंगली किया हुआ, जो बड़ा होगा वो आगे आके गिरेगा, सबसे छोटा लार्ज यहाँ पे आएगा। अच्छा, फिर आपका ये ऐसे साइज के अकॉर्डिंगली गिरेंगे मशीन में से? ये साफ क्लीन भी हो जाते होंगे है ना? क्लीन किससे होते हैं? अच्छा, ये क्लीन करने के लिए यहाँ से निकलते हैं, फिर साइज के अकॉर्डिंगली यहाँ छोटा बड़ा ये साइज के अकॉर्डिंगली ऐसे आते हैं। ये देखिए ये दोनों सिग्नल है एयर प्रेशर कम होने का, तो मैं एयर प्रेशर करवा लेता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। ये देखिए लो प्रेशर लिखा हुआ आ रहा है ना। चलिए भाइयों, दोबारा आ चुका हूँ आपको ट्रिप की अपडेट देने के लिए। हम पहुँच चुके हैं नारकंडा। पहले चीज बताओ, ये देखिए हाँ हम पहुँच चुके हैं नारकंडा, और ये नारकंडा का बाजार है जहाँ से नारकंडा देवी मंदिर के लिए जाया जाता है। और ये देखिए बस स्टॉप भी यही है मेन, और मार्केट भी यही है, यहीं से नारकंडा देवी के लिए जाया जाता है। हम देखते हैं आते वक्त आएंगे, अभी तो हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है एक्चुअली। ये देखिए हमें कहाँ जाना है, रिकोंगपियू रामपुर, हमें पहले रिकोंगपियू जाना है आज, कोशिश करेंगे रिकोंगपियू पहुंच जाए हम। चलिए मिलते हैं आगे जाके। तो अब मैं पूरी ट्रिप में अब बाहर निकला हूँ मैं कार से ना, तो इसका जो सनरूफ है उसका यूज़ करके देखते हैं कि कैसा दिखता है बाहर से, कैसा लगता है माहौल, कैसा है कैसा नहीं है। तो चलते चलते भाई साहब भूख लगी थोड़ी सी, तो विक्की भाई क्या खाने का प्लान बनाया है? इमली तो आप खाओगे, उल्टियाँ होती है तुम्हें यार, बेकार बंदे हो। कितनी बार करी गाड़ी थी आप? अभी गाड़ी चला के आऊँ 38 किलोमीटर, और अभी काफी थका हुआ। 4.5 किलोमीटर चलाइए, 38 किलोमीटर बता रहे हैं, देख लो 3.8 किलोमीटर 38 नहीं था 3.8। कुछ बनाते हैं, क्या बनाने का इरादा है?
नूडल्स भी हमारे पास, वैसे सूप भी हमारे पास है, सूप पीते हैं। चलो भैया अब नई जगह ढूंढी है हमने एक खाना बना, लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा गंदगी थी, लोग बागों ने क्या किया हुआ था, बोला भी नहीं जा रहा हमसे, खाना खाने का टाइम है ना इसलिए। नंबर एक हाँ, ये देखिए यहाँ ये लोकेशन है, यहाँ की बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, तो इसके नीचे हमारे को बन भी जाएगा आसानी से। और ये देखिए वैसे है बहुत बढ़िया विक्की भाई हकीकत में यार। तो भैया फाइनली भूख लगी थी बहुत ज्यादा, तो रास्ते में रोक के तो मैगी बना रहे हैं। ये वेजिटेबल्स काट लिए हैं, ये वेजिटेबल है शिमला मिर्च है और बीन्स हैं, ये टमाटर है, प्याज कटे हुए हैं और एक गाजर काटेंगे थोड़ी सी, उसको मिला के बनाते हैं शिमला में मैगी बनाते हैं। मैगी बनाने के बाद बनाएंगे सूप। चलिए बनती हुई जब बनेगी तो आपको दिखाते हैं कैसे बना रहे हैं हम, हमारा तरीका कैसे है बनाने का, क्या पता आपको पसंद आए, आप लोग भी बनाएं ऐसे हमारे तरीके से। चलिए बताता हूँ, आप मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो भाइयों अब बस मैगी बन चुकी है, बस बहुत देर से भूख लग रही थी, अब तैयार हो गई है, बस लास्ट उस पर है, बस बन के मेरे हिसाब से तो बन गई है, बस बन गई है, अभी इसे खाते हैं फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो फाइनली तैयार हो चुकी है मैगी और दिखाता हूँ कैसी बनी है। विक्की भाई कैसी बनी होगी बताओ अभी दिखाने से पहले। तो बहुत सही लग रही है भैया। रोहित भाई आपको कैसी लग रही है देखने में? इतनी टेस्टी। चलिए दिखाता हूँ, ये देखिए स्लो मोशन में चेपात, क्या बात क्या बात। चलिए भैया देख ली कैसी बनी है, अब खाते हैं और फिर बताते हैं कैसी बनी है। तो खाता हूँ और फिर बताता हूँ कैसी बनी है। देखो झूठा नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छी बनी है। सच्ची भाई कैसी बनी है भाई? मजा आ गया, मजा, सब चीज प्रॉपर डली हुई है, वेजिटेबल्स मैगी है सब चीज डली हुई है इसके अंदर, बढ़िया। तो भाइयों मैगी खाने के बाद अब तैयारी है सूप की, तो सूप के पहले हम ब्रेड तैयार करेंगे जो सूप में डालने के लिए। ये रे ब्रेड, ये ऑयल हो रहा है और ये सामने मेरे भाई ये देखो क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखो ये देखो रोहित भाई की मेहनत सिर्फ बाहर से होती है, ये देखो ये सपोर्ट करते हैं बस, मतलब बिल। चलो बनाने को तो मैं नेचुरली भी बना सकता था टमाटो से उबाल, उसमें लगता बहुत टाइम, मगर मैं हम ये नौर के लेके आए हैं टमाटो सूप, इसमें बनाएंगे। और ये हमने क्रम्स के लिए ना ये हमने ब्रेड्स को काट लिया है, वो ब्रेड्स को फ्राई कर लिया है, उसको अब कट करके सूप में डालेंगे जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। चलिए जब बनता है तो आपको दिखाते हैं, हम कट करें खत्म होने वाला है, बन के देखिए थिक हो गया है, देखिए कितना, अगर हमें और थिक करना है तो इसे थोड़ी देर और करना पड़ेगा। रोहित भाई कैसे करना है, करना है क्या? ठीक है भैया देख लो काफी हो गया, देखिए वो गाय फिर से लौट के आ रही। भैया देखो गाय तो हमारी माता है, तो गाय को खिला दिया ना हमने, खिला दिया तो और खिला देंगे इसे, आलू वालू खिला दूं, आलू उबाल के, आलू कच्चे आलू उबाल के खिला दूंगा मैं, तो मैं सांडों को खिला सकता हूँ तो गाय को नहीं खिला सकता क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार बताओ ये थंबनेल अच्छा रहा तुम्हारा, सांडों को मैं खिला सकता हूँ, एक ये एक वो है। ओए फाइनली तो फाइनली तैयार हो गया है, इसे खा के देखते हैं कैसा। ये पकड़ो मेरा, ये पकड़ो मेरा, हाथ जल गया भाई साहब, मजा आ गया। तो हम रामपुर स्पीति की तरफ जा रहे थे, रिकांगपिओ की तरफ, तो रास्ते में जैसे ही हम पहुंचे ये कोई रामपुर से 30-35 किलोमीटर पहले ना नियारा का एक पेट्रोल पंप है, देखिए ऊपर से पहाड़ आया और पूरा पेट्रोल पंप ही नीचे गिर, पूरा पेट्रोल पंप ही टूट गया, देखिए ये देखिए कितना बुरा हाल हुआ है, पता नहीं लोग बताओ क्या हुआ होगा, भगवान किसी को कुछ हुआ ना हो। ये देखिए मशीन भी पूरी टूटी हुई है, ये वाली भी, ये भी, दोनों मशीन्स टूटी हुई है, ये ऑफिस भी सब। हम रामपुर से पहले यहाँ किंगल में पहुंच चुके हैं, किंगल, ये किंगल का बाजार है, ये राम है, छोटे छोटे गांव जो हैं पड़ते हैं रास्ते में, सब दिखाता हुआ जाऊंगा आपको कौन कौन से पड़ते हैं। चलिए मिलते हैं आगे जाके। तो भाइयों रास्ते में चलते चलते ना एक बहुत ही सुंदर झरना दिखाई दिया है जो ऊपर से आ रहा है, कितने ऊपर से आ रहा होगा विक्की भाई? ज्यादा ऊपर से तो नहीं है मगर सुंदर बहुत लग रहा है देखने में। तो रामपुर पहुंच चुके हैं फाइनली, रिकांगपिओ में पहुंचने वाले हैं, रिकांगपिओ। फाइनली हम रिकांगपिओ से 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर पहले हैं,
रात हो गई है बहुत ज्यादा ना, अब बारिश भी हो रही है, रोड भी थोड़े खराब हैं, तो इसलिए हमने सोचा अब रात को यहीं रुक जाते हैं, मगर यहाँ जहाँ रुके हैं अभी बुशर रही, तो फाइनली हम यहीं रुक गए थे। तो एक्चुअली क्या हुआ है रोहित भाई, आगे रोड में लैंडस्लाइड होकर रोड पूरा ब्लॉक हो गया, स्पीति वाला तो कोई भी नहीं आया यहाँ, तो सब लोग वापस जाएंगे अब, तो इस वजह से सारे होटल्स बुक हो गए हैं ना, यहाँ होटल भी नहीं है, बताया चार पांच होटल है गिनती के, सब बुक हो चुके हैं, सब बुक हो चुके हैं, सब लोग जाएंगे, सारे होटल्स फुल हो गए थे, मगर किस तरह मिल गया एक होटल 800 रुपये में मिला है, अब चलते हैं होटल में अपने आराम करते हैं। देखिए किसी को भी रूम नहीं मिल रहे हैं, यहाँ सब लाइन लगी पड़ी है, भीड़ हुई पड़ी है, बेचारे परेशान हैं सारे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, रूम्स कहीं है नहीं पूरी मार्केट में कहीं भी। फाइनली भैया रूम पे आ गए हैं, मिल गया हमें कमरा, ये हमारा कमरा है, ये देखिए यहाँ रुकने वाले हैं आज रात, जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा ना भीड़ हो गई, जो आगे वो गिर गया लैंडस्लाइड हो गई है इतनी ज़्यादा, मगर हमें बहुत अच्छा मिल गया 800 रुपये में, अरे इन्होंने ठीक दिया है बिल्कुल, क्योंकि अगर ये चाहते तो हमें महंगा भी दे सकते थे, मगर इन्होंने महंगा नहीं दिया। चलिए मिलते हैं, हम रेस्ट करते हैं क्योंकि थके हुए हैं पूरे दिन के, हम मिलते हैं कल आपसे अगले ब्लॉग में। ओके, प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन पे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और कमेंट्स इतने करिए कि बस बहुत ज़्यादा कमेंट्स की, जल्दी चैनल ग्रो करे। ओके, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।